सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत करते हैं नया एक वीडियो में। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टिप्स सिखाना चाहता हूं कि गाइस, आप जो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लाइक का जो काउंट होता है ना, ये जो रिएक्शन का काउंट होता है कि कितना पीस यहां पे लाइक मतलब पड़ा है, तो ये जो काउंट गाइस यहां पे होता है, तो ये आप हाइड कैसे करेंगे। तो गाइस, आपकी प्रोफाइल पे अगर आपका लाइक ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका लाइक कम है तो आप वो कम वाला लाइक कैसे हाइड करेंगे, ठीक है। तो गाइस, वही आज वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख लीजिए, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, तो मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पोस्ट है, इस पोस्ट में 223 लाइक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पोस्ट में है 396, फिर ये वाला पोस्ट में है गाइस 146। तो ये जो लाइक का जो काउंट होता है गाइस, ये काउंट आप कैसे हाइड करके रखेंगे, तो यही आज वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, कॉर्नर पे जो थ्री डॉट है गाइस, थ्री डॉट पे आपको जाना है। तो जैसे आप थ्री डॉट पे जाएंगे, आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी बोल के, यहाँ पे आपको हाथ देना है। तो यहाँ पे हाथ देने के बाद गाइस, ऊपर में आपको सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको हाथ देना है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे हाथ देंगे, आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना है। एकदम नीचे जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यूज़ फीड सेटिंग्स बोल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ फीड सेटिंग्स बोल के। तो यहाँ पे एक फेसबुक का अपडेट आया, और अपडेट आने के बाद गाइस, ये जो एक नया जो मतलब फीचर्स ये फेसबुक में ऐड हुआ, ठीक है, रिएक्शन प्रेफरेंस। तो ये जो रिएक्शन प्रेफरेंस वाला ऑप्शन अभी तक जिन लोगों को नहीं मिला है, उसको भी कैसे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, वो अभी वीडियो के आखिर में बताएंगे। अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिल गया तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये ऑप्शन अभी तक नहीं मिला तो आपको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, वो भी वीडियो के आखिर में बता देंगे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद ये जो रिएक्शन प्रेफरेंस बोल के जो ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे आपको हाथ देना है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे हाथ देंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है गाइस ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स, और दूसरा वाला ऑप्शन है ऑन योर पोस्ट। तो मतलब गाइस, अगर आप ऊपर में ये वाला जो ऑप्शन ऑन कर देंगे, तो आपका जितना भी फ्रेंड्स है, जितना भी फ्रेंड्स आपके मतलब टाइमलाइन पे टैग करता है या फोटो पोस्ट करता है, तो उनको हर एक फोटो का जो मतलब लाइक का जो काउंट होता है गाइस, वो काउंट हाइड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे है गाइस ऑन योर पोस्ट, मतलब अगर आप ये ऑन कर देंगे तो आपकी कौन सा फोटो में कितना ज़्यादा लाइक पड़ा है, ये किसी को पता नहीं चलेगा, वो लाइक का जो काउंट होता है गाइस, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों ही एक्टिव करके आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि गाइस, मैं वहाँ पे दोनों ही ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट कर देने के बाद गाइस, अभी मैं मेरा प्रोफाइल में आ गया। तो मेरे प्रोफाइल पर आने के बाद गाइस, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद गाइस, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी जो लाइक का जो काउंट होता है गाइस, वो लाइक का काउंट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता था ये कि इस वाला पोस्ट पे कितना लाइक था, तो अभी गाइस यहाँ पे लाइक का कोई जो काउंट होता है गाइस, वो काउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी मतलब पोस्ट पे ये लाइक का जो काउंट होता है गाइस, वो लाइक का काउंट शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन दिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ गाइस, और ऑडियंस कैसे देखेगा, मतलब कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको ये कैसे दिखाई देगा, वो भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्यूअर्स कर दिया, व्यूअर्स कर दिया। तो व्यूअर्स करने के बाद गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अगर मेरा प्रोफाइल विजिट करे तो उसको भी लाइक का जो काउंट होता है गाइस, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लाइक का काउंट यहाँ पे नहीं, रिएक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे कॉमेंट का जो काउंट होता है गाइस, कॉमेंट का काउंट यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कोई भी काउंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये काउंट आप ऐसे ही हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे काउंट नहीं है, ठीक है। तो गाइस, ऐसे ही आप जो आपका जो पोस्ट पे कितना ज़्यादा लाइक या फिर मतलब कमेंट हुआ है, ये आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक को आप हाइड कर सकते हैं। तो कैसे गाइस करेंगे, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो ये वाला ऑप्शन कैसे मिलेगा गाइस। ये वाला ऑप्शन मिलने के लिए आपको फेसबुक में बेटा यूज़र होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि गाइस, मैं आप लोगों को ये पे दिखा रहा हूँ कि मैंने ये पे प्ले स्टोर पर गया, फिर यहाँ पर मैंने फेसबुक सर्च किया। तो फेसबुक सत्य कि मैं फेसबुक में जो हूँ गाइस, मेरा ये फेसबुक बेटा यूज़र है, ठीक है। मतलब मैं बेटा यूज़र हूँ। तो ये बेटा यूज़र आप कैसे करेंगे, आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस, आपको फेसबुक सर्च कर लेना है। तो सर्च कर लेने के बाद गाइस, फेसबुक जब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको यह भी एक बार टैप करना है। तो टैप करने के बाद गाइस, फेसबुक जब ओपन होगा, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको ज्वाइन बेटा बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं तो ऑलरेडी बेटा वर्सन पे हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लीव दिखा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे लीव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लीव दिखा रहा है, आपको यहाँ पे ज्वाइन वाला का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो ये जो फेसबुक नॉर्मल फेसबुक था, ये बेटा फेसबुक हो जाएगा, ठीक है।
तो बेटा फीचर होने में आपको फ़ायदा क्या है गाइज, वो भी मैं आखिर में बोल रहा हूँ। जब भी फेसबुक पे नया कोई अपडेट आएगा, फीचर आएगा, सबसे पहले जो बेटा यूज़र होता है गाइज, जो मतलब फेसबुक का जो बेटा यूज़र होता है, उसको सबसे पहले वो सब जो फीचर्स नया फेसबुक पे आते हैं, वो सब सबसे पहले बेटा यूज़र को मिलता है, ठीक है। बाद में गाइज वो फेसबुक में सबको मिलता है। तो अगर आप भी ऐसे फेसबुक बेटा यूज़र बन जाएंगे तो आपको भी वो वाला जो रिएक्शन का जो ऑप्शन है गाइज, वो ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज उम्मीद करते हैं ये वाला छोटा एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और गाइज इस चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइज मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पे।